हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो वीडियो है उस पर कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो उसको 90 डेज़ के बाद कैसे हटाना है, उस जो कॉपीराइट स्ट्राइक को वो कैसे हटाना है, आज हम लोग इसी वीडियो में उसको देखने वाले हैं। चला जाता है बट इधर 90 डेज़ के बाद भी एक्सपायर नहीं गया है, तो हम लोग आज इसी को फिक्स करने वाले हैं। तो एक बार इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ये कुछ कॉपीराइट का इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये क्या होता है, जैसे एक एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, ये 90 डेज़ से ज़्यादा हो चुका है। ये देखिए 2024 मतलब 2020 तक इसका एक्सपायरी डेट था, बट ये इधर हाँ गया नहीं है अपने आप हट। और क्या करना है, ये वाले ऑप्शन आपको 90 डेज़ के अगर अंदर है आपका कॉपीराइट तो इसके लिए होता है। तो अभी हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, जो ये कुछ ये है, ये जो एक लिंक है, अटेंड कॉपीराइट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ विंडोज ओपन हो जाता है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिनका आंसर हम लोगों को देना होता है। ये क्वेश्चन उनको देना होता है जो मतलब आपका विंडोज़ अगर सॉरी जो आपका वीडियो जो भी है जो आपने अपलोड किया है, किसी एक कंटेंट वगैरह वीडियो म्यूजिक वगैरह जो भी है आपने अगर यूज किया अपनी वीडियो में, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या करना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर ये कैसे इनको आंसर देना है, तो आप गूगल में जाकर उधर लिख सकते हो यूट्यूब कॉपीराइट क्वेश्चन एंड आंसर, तो आपको उधर आपका इनका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा इनका। ठीक है, उधर जाकर आप सर्च भी कर सकते हो, उधर आपको सबका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स आ गया सेकंड वाले का, और थर्ड वाले का इफ़ द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ कॉपीराइट, इसका भी फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, अगर आपके यही क्वेश्चन आते हैं तो आप ये वाले सेलेक्ट करके कर सकते हो इसको फिक्स, जो 90 डेज़ के बाद भी आपका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं जाता आपकी वीडियो से, तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, उस लिंक का और क्वेश्चन आंसर का दिया जाता है इधर से, इसका भी फॉल्स ही आएगा। ओके, एक बार चेक कर लेना चाहिए, एक बार चेक कर लेना आप भी कि सब अच्छे से मैंने पढ़ा है और आंसर भी सही से दिए हैं या नहीं दिए। ओके, तो अभी ये चेक आंसर वाला एक लिंक है, उस पर क्लिक कर देंगे, बटन पर इस पर क्लिक कर दीजिए। यस, क्लिक करने के बाद यू सक्सेसफुली कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल, ठीक है, आपको एक नोटिफिकेशन आता है। तो अभी इसमें आपको जो जो आपने क्वेश्चन आंसर दिए हैं क्वेश्चन के, उनका रिजल्ट आएगा। ये क्या है ये देखिए, पहले वाला तो राइट है, सेकंड वाला भी राइट है, थर्ड वाला भी राइट है, करेक्ट है, और फोर्थ वाला भी सही है अपना। ठीक है, और ठीक है, तो अभी डन जो ये बटन है, ये डन वाला बटन एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये डन वाले पे बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए वो आपका है, देर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल, ये इधर से हट गया है, और आपका ये जो 90 डेज़ के बाद भी आपको इधर कॉपीराइट स्ट्राइक दिख रहा था वो चला गया है। ओके, इसको बंद कर देते हैं, एक बार चैनल पे आ जाइए, चैनल पे दिखाता हूँ मैं आपको, जो हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिख रहा था जो ये देखिए, ये एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक जो हम लोगों को दिख रहा था पहले, ये यहाँ पर अभी अभी पेज को रिफ्रेश करना है और यहाँ से ये निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, रिफ्रेश करके, रिफ्रेश होने के बाद ये इधर से निकल जाना चाहिए। ये 90 डेज़ के बाद का है, अगर आपके पास 90 डेज़ के बाद अभी नोटिफिकेशन नहीं, मतलब जो ये आपका एरर नहीं जा रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक का, ये देखिए इधर से निकल गया है, यहाँ से वो निकल गया है कॉपीराइट स्ट्राइक जो आपके वीडियो पर आ रहा था,
इधर से निकल गया, इधर से चला गया वो सेटिंग्स। एक और एक मिनट, ये देखिए अभी इस मतलब इधर देर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है, इधर कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो। थैंक यू सो मच।